मैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं विधानसभा के भीतर की, जहां पर इस वक्त सदन की कार्यवाही चल रही है। तीन बारी डेट चेंज करी गई, क्या जरूरत थी वो तीन बारी डेट चेंज करने की? बार बार आप चेंज करते जा रहे हैं। ये दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग। उसके साथ ये जो है कॉमन, ये ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपने बनाया, वो उसकी डेट्स जो इसकी जो टेस्ट थी उसकी डेट्स आपने तीन बारी चेंज करी। क्राइटेरिया जो आपने बनाया है, डेट तय नहीं है, कैसे नहीं तय? अभी आपने नहीं, आपने शुरू में पहले निकाली थी ग्रुप डी की, फिर उसके बाद क्राइटेरिया चेंज कर दिया सारा, उसके बाद फिर कर दिया सारा। उसके साथ साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो चली है, उसको पहले हमने एक निश्चित तारीख तक तय किया था, कोविड के कारण से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उसको आगे बढ़ाया गया है। और अभी भी जिस दिन उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद एक मौका सबको फिर दिया जाएगा, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि एडवर्टाइजमेंट होने के बाद मुझे भरना था। तो ये तो जब तक एडवर्टाइजमेंट निकलती नहीं है तब तक वो लगातार रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी, उसको टाइम एक बार बढ़ाओ दो बार, रजिस्ट्रेशन का टाइम है, और अंतिम रजिस्ट्रेशन का टाइम तब दिया जाएगा जब उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। तो मैं भी कह रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, कि उसको आप डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी है अब मौका दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नहीं हो रहा वो, अब वो अलग बात है। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक इसमें से ही चयन आयोग में से ये कहा गया था कि ये ग्रुप डी के अंदर 60 लाख लोग एंटिसिपेटेड हैं जो इसके अंदर आवेदन करेंगे। अब अखबार में ही पढ़ा था, अब अखबार में जो एक मिनट जो अखबार में अगर आप बिल्कुल ही उसको रफा दफा कर देते हो तो इसका मतलब अखबार वालों का तो कोई फायदा ही नहीं है। व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम? आई थिंक यू आर ऑल वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आपके बारे में जब हम कोर्ट करते हैं तो जो है सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। हाँ नहीं, मैं बता रही एब्सोल्युटली, मतलब व्हेन यू, हम तो अखबारों में ही पढ़ेंगे या मीडिया के जरिए पता चलेगा, हम अंदर तो जाके बैठे नहीं, और उनको आप क्या कहते हैं बिल्कुल इस तरह से रद्दी की टोकरी में फेंकते हो, तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा विधानसभा के अंदर फैक्ट्स के ऊपर। अध्यक्ष जी, ये चयन की, अब इसकी आयोग की बात आगे और बता रही, स्पोर्ट्स कोटा की पोस्ट जो थी वो 1,500 भर्ती करी गई, उसके बाद पता नहीं क्या उसके अंदर चेंज हुआ, क्या हुआ, उनको दरवाजा दिखा दिया बेचारे स्पोर्ट्स पर्सन को। अब ये बताइए आप मुझे, ये कहां की बात? ये भी मैंने अखबार में ही पढ़ा। और 40,000 टीचर्स का पद जो है वो वेकेंट पड़ा हुआ है, अध्यक्ष जी आज तक उनकी भर्ती नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं एक तरफ जो है बेरोजगारी का आलम है, कोरोना का आलम है, मंदी का आलम है, सारा काम धंधा चौपट हो गया है, किसान जो है आंदोलन कर रहा है, और युवक को नौकरी नहीं मिल रही, 40,000 नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। ये क्या मजबूरी है सरकार की कि वो रिक्त नौकरियों को नहीं भरा जा रहा, मैं पूछ रही हूँ, और उनको कॉन्ट्रैक्चुअल उसके ऊपर डाला जा रहा है। विषय से भटको मत, पेपर के लीकेज का मामला, लीकेज के ऊपर, लीकेज के ऊपर बात। मैं ये मंत्री जी के जवाब पे मैं बोल रही हूँ अध्यक्ष जी, मैं बाहर नहीं बोल रही, आई एम स्पीकिंग एंटायरली ऑन व्हाट द मंत्री जी हैज रिप्लाइड। तो ये जो है, ये 40,000 जो नौकरियां, ये कॉन्ट्रैक्चुअल उसके रेट के ऊपर क्यों दी जा रही है, इनको क्यों नहीं भर्ती करता चयन आयोग जब इतना बढ़िया काम कर रहा है? तो ये सारी बातें जो है अध्यक्ष जी, ये इन्होंने कहा कि इंटरव्यू खत्म कर दिया, मुझे ये नहीं मालूम, अखबार में आया नहीं, अभी आया, आ गया क्या? अब बताओ ये अखबार में आया कि इंटरव्यू खत्म कर दिया हर एक उसकी नौकरी की? आप इंटरव्यू, हम आपकी दाद देंगे, एक मिनट, मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, आपको मैं बधाई दूंगी अगर आप ये इंटरव्यू वाले नंबर जो है ये बंद कर दो, आप बंद करो ये इंटरव्यू के नंबर, ये इंटरव्यू के नंबर जो हैं उसी से तो ये खर्चा पर्चा सारा चल रहा है जी आपका, ये इंटरव्यू वाले नंबर बंद करो, एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया। नहीं, वो कह रहे हैं खाली ग्रुप डी में बंद करें। हाँ, ग्रुप डी, खाली ग्रुप डी में क्या फायदा, आप IAS की कर रहे हैं, ये जो है HCS की वो कर रहे हैं, सारे ये कर रहे हैं, उसमें तो सारे इंटरव्यूज हैं।
जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उनके अंदर तो इंटरव्यू रखे हुए हैं, ताकि मतलब आपके पास यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस टू मूव अराउंड। तो ये तो नहीं ठीक ना अध्यक्ष जी, जो गरीब का तो इंटरव्यू खत्म कर दिया, बड़े वाली नौकरियों के अंदर भी आप इंटरव्यू खत्म करें, हम मानेंगे आपकी, आप जो है मेरिट के ऊपर जो है आप मेरिट के ऊपर भर्ती करना चाहते हैं, और हम आपकी बधाई हम आपको देंगे। अध्यक्ष जी ये जो है जैसे मैंने आपको कहा, हाँ नहीं नहीं कॉल अटेंशन ही है, तो ये इसके ऊपर मेरा देखिए पूरा का पूरा लिखित में डाला था, वो तो मेरे को पढ़ने नहीं दिया, अगर वो मेरे को पढ़ने देते तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो सारा अगर मैं पढ़ देती तो फिर तो सारा उसके अंदर आ जाता, सोशल मीडिया पे भी चल जाता, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ये बोलने नहीं दिया तो बोलना तो पड़ेगा ना अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी मेरा कहने का मतलब ये कि हमारी जिम्मेदारी है, हम एक विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बातों को उठाएं, और जो सत्ता पक्ष है ये अब ये बिल जो लेकर आ रहे हो, ये बिल के अंदर भी बहुत खामियां हैं, इसमें भी त्रुटियां हैं, बिल के ऊपर चर्चा होगी, हाँ, बता दीजिए नहीं तो ये, और ये अच्छी बात है कि अब जो है चलो वो कहना है देर आए दुरुस्त आए, देर सवेर कम से कम नींद से तो उठे हम, एक मिनट तो नींद से कुंभकर्ण की नींद से तो उठे समप करो। तो ये बिल जो है अध्यक्ष जी, इस बिल के ऊपर बड़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से और इस तरीके से हम सारा का सारा चर्चा करके दोबारा से आप लेके आओ, ताकि इसके ऊपर काम ये हो कि आपको भी सरकार को फायदा हो, पूरे हरियाणा को फायदा हो, और हमारे जो बेरोजगार बच्चे वो जो जूझ रहे हैं बेरोजगारी से उनको फायदा, तब तो सरकार का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा हम यहाँ पे विधानसभा में आके क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हैं। धन्यवाद श्री शमशेर सिंह गोगी जी। आपने मेरे को मौका दिया, मैं ये समझ रहा हूँ भी ये जो चर्चा हो रही है पेपर लीक की, इसमें सारा सदन कितना सीरियस है, पूरा हरियाणा देख रहा है भी हम लोग कितने सीरियस। इस पेपर लीक का मतलब क्या है, एक पेपर लीक का मतलब इतना ही नहीं है कि 7 अगस्त को पेपर लीक हो गया और पुलिस की भर्ती कैंसिल होगी, इसको आप बेरोजगारी के बच्चों के साथ जोड़ के देखो जरा, उनके माँ बाप कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग गए वहां। हमारा जो जिम्मेदारी है क्या सदन में बैठ के हम निभा रहे हो, और ऐसा कौन सा ताकतवर आदमी है जो पेपर बार बार लीक करता है, और सरकार जो है कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है, जांच पे जांच किए जा रही है, एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही है, रिजल्ट कुछ जीरो है, कोई एक पॉइंट बता दो जिसका रिजल्ट आया। और यह भी पता करना चाहिए जो लोग पकड़े गए हो, बताना चाहिए सदन को भी कौन कौन सी पार्टी से संलंबित है, कहीं कांग्रेस से ही ना हो, पता कर लो, कम से कम सोच लो। जैसे जेपी दलाल जी कांग्रेस से ही हैं, वहां बैठ के बेचारे वफादारी के चक्कर में बार बार मंत्री होते हुए खड़े हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता इनको भाई मैं मंत्री बन गया हूं, ये अभी भी सोचता मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही, कोई नहीं अपना याद भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो जनाब मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी आप थे नहीं पीछे गए हुए थे, मंत्री जी ये कह रहे थे कि हरियाणा के बच्चे जो हैं वो हताश नहीं, इसका मतलब खुश हैं। तो फिर तो आपको बार बार पेपर लीक करने चाहिए, जब हरियाणा के नौजवान खुश हैं इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती। आप मतलब बात को इस तरीके से कहते हो भाई हताश नहीं है, अगर बुरी बात है तो आपको पहले कहना चाहिए था भी हमें अफसोस है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अगर क्राइम बढ़ता है तो हम अफसोस तो जाहिर करते हैं, कम से कम कार्रवाई तो उस पर भी नहीं होती। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, अभी एक रिजल्ट आया, मैं आप बेरोजगारी के माध्यम से इसको जोड़ के मैं देखता हूं इस मुद्दे को, उसके अंदर ओपन में जो बच्चे थे प्लस टू के ओपन स्कूलिंग के, उनको 34% नंबर देके पास कर दिया गया, जो किसी कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते।
38,000 बच्चों का विषय गर्त में चला गया। ये हमारी संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता है, सदन तय करे। मैं कहता हूं भी हमारे को यह पता लगना चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो कहां कहां से जुड़े हुए हैं, कैसे हैं, क्या अगले सेशन से पहले हमारे को इसकी रिपोर्ट मिलेगी जो जांच हो रही है, या जैसे शराब घोटाले में दूसरे घोटालों में SIT बनी, वो SCT बन गई, अब उसके आगे विजिलेंस होगी तो इसका मतलब होता है भी मामला कुएं में घेर दो। विजिलेंस में मामला चला गया तो कई साल तक रिजल्ट नहीं आता, इतने तो सरकार ही पलट लेगी। इतने तो आपको वह रखना की जरूरत नहीं, 2025 में कर दियो के करोगे। तो मेरा आपके माध्यम से जनाब ये कहना है कि गेस्ट टीचर वहां रो रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो रो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? टीचर है नहीं फिर भी विषय उज्जवल है, सारी बातें उज्जवल है, हरियाणा नंबर 1 है, गुजरात मॉडल की जगह हरियाणा मॉडल हो गया। तो अगर इस तरह का मॉडल है देश में तो पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका हम क्यों ले रहे? हमें तो नहीं लेना चाहिए ठेका उसका, हमें अपना मॉडल पहले अपने घर को बचाना चाहिए। पुराने बुजुर्ग कहते थे कोई भी काम करना हो उससे पहले अपनी खाट के नीचे को डंगोरी फेर लो ताकि पता लग जाए कि कोई सांप सूंप चूहा चवा इसके नीचे तो नहीं पड़ रहा। तो ये जो पेपर लीक वाले चूहे हैं, सांप है या कौन है वो मेरे को अखबार में मैंने पढ़ा हो किसी राजनीतिक और सत्ता दल की राजनीतिक पार्टी से सब मिले हुए उससे संबंधित है। तो ये मामला इतना नॉन सीरियस नहीं है जितना नॉन सीरियस हम सदन में इसको ले रहे हैं। हमारे को सीरियस होना पड़ेगा, इन 90 आदमियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर हमारी गलती है तो हम भी मानने को तैयार हैं, अगर पेपर लीक में हमारी वजह से हुआ है कह सकते हैं भी कांग्रेस की वजह से हुआ है, क्योंकि सारे काम जो देश में हुए कांग्रेस की वजह से ही हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं हमारी गलती है क्योंकि हम कांग्रेस में है इसलिए हमारी वजह से पेपर लीक हुआ है, तो फिर FIR हमारे पे होनी चाहिए, उन लोगों पे क्यों हो रही है? तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी, धन्यवाद धन्यवाद, जन नेता होने के नाते आपको निभानी चाहिए। तो मंत्री जी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बच्चों को खुश करने का काम आप करोगे, हताशा दूर करोगे। जय हिंद जय इकट्ठा ही दे दियो एक बार है। हाँ जी नहीं 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 एक बार तो मैक्सिमम 5 लोग बोलेंगे, मैक्सिमम तो बोल लीजिए मैं जवाब दूंगा, नहीं मैक्सिमम 5 लोग बोलेंगे। श्री भारत भूषण बत्रा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, उनका जो एडजर्नमेंट मोशन था वो कारण अटेंशन में वो कन्वर्ट किया हमने। पांच मैक्सिमम है भाई साहब, 5 मैक्सिमम है, किसी भी कालिंग अटेंशन पे 5 आप तय कर लो। हाँ जी एडजर्नमेंट मोशन जो कॉल अटेंशन में उसके साथ जोड़ दिया था। हाँ जी कॉल अटेंशन हाँ आदरणीय अध्यक्ष जी, हाँ कॉल अटेंशन में 5 लोग बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये जो पेपर लीक का सामने मामला आया ये एक कमीशन का सिस्टम फेलियर है, ये कमीशन की वर्किंग पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। इस वर्किंग में कोई भी व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बाहर ही नहीं आया। चेयरमैन किन कैपेसिटी में पब्लिकली बयान दे रहे हैं, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन या जो भी वहां पर सिक्रेसी का इंचार्ज चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी इज देयर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब मामला हुआ कैसे? ना तो आदरणीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया, दूसरी तरफ पहलू में उसको लेके गए XTO की बात है। और मंत्री जी ने कमीशन की वर्किंग के बारे में भी बात की, जो आपने एतराज कर रहे थे कि सब्जेक्ट पे आइए, वो मैडम किरण चौधरी जब बात बोल रही थी तो क्योंकि मंत्री जी ने कमीशन की वर्किंग के बारे में जिक्र किया, अपनी रिप्लाई में जिक्र किया, इसीलिए हम इस बात के लिए बोल रहे थे, अदरवाइज हम सब्जेक्ट पे ही बोलेंगे। ऐसे कि कमीशन में कुछ बड़ी जबरदस्त खामियां हैं, उस खामियों को भी ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि
सरकार जब चाहे पोस्ट विड्रॉ कर सकती है। पर बड़ी अजीब सा लगता है और बड़ा दुख भी होता है कि पोस्ट रिजल्ट डिक्लेयर करने से एक दिन पहले पोस्टें आती हैं, कहीं चैलेंज हो जाती है, स्टे हो जाता है, स्टे जिस दिन खत्म होता है अगले दिन पोस्ट से विड्रॉ हो जाती है। ये पहली बार हमने कमीशन की वर्किंग में देखा स्पीकर सर, और ये बड़ी चिंता का विषय है। ग्रुप डी स्पोर्ट्समैन की 1518 पोस्टें, जूनियर लेक्चर की 61 पोस्टें, चार्टर्ड इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंजीनियर, पीजी टीचर 626, टीजी टीचर 1035, इनकी पोस्टें रिजल्ट डिक्लेयर और से सब कुछ प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया। कोर्ट में आज सो कोर्ट कहती है स्टेज वेकेटेड और अगले दिन फाइल मूव हो जाती है। ये पोस्टें किस जस्टिफिकेशन से? सिर्फ ये लिख देना कि भी सरकार का राइट है, वो बात गलत है। सरकार को जस्टिफाई करना चाहिए था कितनी पोस्टें विड्रॉ क्यों की। और उसके बाद एक और भी थोड़ी वर्किंग में आज के दिन में सुधार की आवश्यकता है। क्या पोस्टें जो हैं वो आप एडवर्टाइज तो कर देते हैं सर, बड़ा आरोही की दो पर लिखनी होती, और उसके बाद सरकार की जो छवि गिरी है सर उस बात के लिए। रमेश की एकेडमी में लगती थी सरकारी नौकरियों की बोली, इससे फालतू क्या हो? पुलिस भर्ती में पेपर लीक, 12-12 लाख में तय हुआ सौदा, 1 करोड़ की आंसर शीट में देने वाला काबू। कांस्टेबल भर्ती में 16 लोग पकड़े गए और 1-1 करोड़ की आंसर शीट 12-12 लाख के आगे बिक गए, सब कुछ बिक गए। इस सिस्टम को रोकने के लिए बिल की बात आएगी कि बिल मैं बाद में उसकी बात करूंगा, पर मैं क्वेश्चन आखिरी आपकी इजाजत है थोड़ा सा, मैं लंबा भी नहीं बोला, ऐसी बात नहीं। कमीशन मुख्यमंत्री जी, पिछली बार भारती जी का मैटर आया था, आपने संज्ञान लेके उस टाइम कमीशन को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया था, इंक्वायरी आई थी उसके बाद है। व्हाई द कमीशन इज नॉट बीइंग सस्पेंडेड? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? आपको जानना चाहिए इस बात के लिए कि वहां पर जो बैठे हैं चेयरमैन बैठे हैं उनको कि भाई तेरी तिजोरी से ये सब कुछ बाहर कैसे निकला, किस कैपेसिटी में निकला, आंसर शीट कैसे वहां पर पहुंची और 1 करोड़ की वहां पर आंसर शीट कैसे बिकी? इस बात का जवाब, इस बात का कि आप इस कमीशन को, हाँ ठीक है, इस कमीशन को आप सस्पेंड करें, उसकी इंक्वायरी हो, तब अगर वो निर्दोष चाहे पाते हैं उसके बाद रीइंस्टेट करें। उसके बाद सेकेंडली है मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आपके मंत्री कहते हैं इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड वी ऑल्सो से कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आपको इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। श्री जगवीर सिंह मलिक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपका नाम फर्स्ट सिग्नेचरी फर्स्ट सिग्नेचर किया हुआ है जगवीर सिंह मलिक जी ने किया हुआ है, उधर भारत भूषण बत्रा जी ने फर्स्ट सिग्नेचर किया हुआ था जो नहीं भाई नहीं नहीं ये पहले जो वो कॉल अटेंशन थे, वो कॉल अटेंशन के 3-5 अध्यक्ष महोदय मलिक साहब, ये बड़ा सीरियस मामला है, ये लाइटली ना ले इसको, क्योंकि अडजर्नमेंट मोशन तो है ही नहीं कोई भी, बोलने तो सबको तो बात क्लियर होगी, कुछ ना कुछ आएगा। बोलिए बोलिए आप अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मामला आज 5 लोग बोल सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना पेट काटते हैं, गरीब आदमी के 2 वक्त की रोटी नहीं होती खाने के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाता कि वो कोचिंग कराता ताकि वो बच्चा नौकरी लगे। कितना खर्च होता है, कितने साल तक का कोचिंग लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, सरकार का एक तो एडमिशन आ गया इस बात का, दे हैव टोटली फेल्ड टू कर्व द कोपिंग, नकल को रोकने के लिए सक्षम नहीं रहे, इसीलिए बिल लाना पड़ा, इसीलिए तो लाए होंगे, तो गवर्नमेंट इस बात में फेल हो चुकी है। लीकेज पेपर का जो मामला था उसमें ये स्पष्ट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो बात करते हैं
विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी रहेगी और इसको लेकर के लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।